दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री वर्कर्स की है हजारों नौकरियां। जी हाँ, फैक्ट्री वर्कर्स और लेबर की इतनी भयंकर जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में कि आपको बस अप्लाई करना है और नौकरी आपको मिल जाएगी। ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में घर बैठे बैठे अप्लाई करना है और ऑस्ट्रेलिया में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है सिर्फ 5 मिनट में। सीवी कवर लेटर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, अप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, आपको इंटरव्यू देना होता है वीडियो कॉल पे, या फिर आपको मेल चेक करते रहना है, या फिर आपको कॉल अपना पिक करते रहना है, कोई कॉल मिस नहीं करना है। वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू होता है और उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो नौकरी आपकी पक्की। और वर्कर और लेबर की सैलरी होती है वहां मिनिमम 1 लाख रुपया। तो फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत कहां नहीं होती, हजारों फैक्ट्रियां होती हैं हर जगह हर देश में, और इसलिए वहां पर काम करने वाले लोगों को भी जरूरत पड़ती रहती है। और जैसे ही कोविड आया है, कोविड के बाद से लाखों लोगों ने ऑस्ट्रेलिया या फिर बहुत सारे देश छोड़ दिए हैं और इस वजह से वहां पर लाखों नौकरियां निकली हुई हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई कर देना है सीवी कवर लेटर बना के वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर आपको सीवी कवर लेटर नहीं बनाना आता तो हम आपके लिए बनाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉल कर दीजिए। और दोस्तों बेहद ही आसान होता है सीवी कवर लेटर बनाकर अप्लाई करना। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे अप्लाई करना है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं। और एजेंट, फेक जो एजेंट है उनसे बचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि हमारा मकसद है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से आपको गाइड करना कि कैसे आपको विदेश में नौकरी मिलेगी। बिना सीवी कवर के नौकरी नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं। आप अगर अपना रिज्यूमे डालते हैं बिना कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो रिजेक्शन में चला जाता है। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, सीवी कवर लेटर बनाइए और अप्लाई कर दीजिए दोस्तों।